अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज है यकम रमज़ान मुबारक। मेरे साथ हैं उमैर शफी साहब और आज हम निकले हैं हल्की फुल्की शॉपिंग करने। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये दिल्ली गेट है ना, दिल्ली गेट के पास है जी। यहाँ से हम जो है वो आपको लेके चलेंगे अंदर, पूरे बाजार की सैर करवाएंगे इंशाल्लाह पैदल पैदल ही आपको। बहुत ज़्यादा रश है यार, आगे एक गाड़ी है बस उमैर साहब। ये लोग जो है वो गुस्सा कर रहे हैं यार भाई, यहाँ पे गुस्सा के नहीं बना। अच्छा तो आपको बता दूं, ये तो है बाजार में बाइक लेके आना और बगैर आप अपना रास्ता नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बात तो ठीक है। जो है वो शाही महल है जिसका हमने पहले एक दफा व्लॉग किया, अंदर से भी विजिट करवाया हुआ है हमने, व्लॉग किया हुआ है। बहुत रश है, बहुत बहुत ज्यादा लोग निकले हैं। यार मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है आप सबके, क्यों ना यार एक बिजनेस किया जाए। किस तरह का बिजनेस किस तरह का बिजनेस, ये मतलब कुछ कह नहीं सकते भी, कुछ ये है मेरे जहन में आ रहा है कि यार क्यों ना यहाँ से जो है वो शालमी मार्केट से, हम शालमी मार्केट से जो है वो कोई कॉस्मेटिक्स हो गई, या कोई जो आजकल आपको पता है ईद पे लड़कियाँ चूड़ियाँ और जो है कहते हैं बैंगल्स वगैरह, इस तरह की जो है चुटकियाँ वगैरह और भी बड़ी सारी चीज़ें जो है वो, तो उनको जो है वो हम कहीं पर स्टॉल वगैरह लगा के उनको जो आप निकले हुए पता कर लेते हैं यार कि क्या सीन है, क्या रेट है, क्या तरीका का है, लगाओगे कहाँ पे पहले ये बताओ। यार कहीं ना कहीं पे लगा लेंगे, देखे शाहबाग लगा ले यार, शाहबाग लगा लो। चलो तुम काफी स्टूडेंट्स जानते हैं तो शायद वो खरीद ले मेहंदी और चूड़ियाँ। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दो दोस्तों मेहंदी और चूड़ियाँ लगाने वाले मैं और उमैर साहब, जस्ट हमने डिसाइड किया है साथ साथ उसके, मतलब उमैर साहब लगाएंगे, मैं इनको असिस्ट करूंगा वहाँ पे साथ। आप ओनर हैं, आप जो मैं ही ओनर हूँ, मैं आप शागिर्द, मैं आपको शागिर्द हूँ, आप मुझे कहेंगे चल भी छोटा दो चावल आएगा। और साथ यार मैं कहता हूँ कि ना हम साथ ना वो रख लें अपना रिंग्स वगैरह भी, चले देखते हैं ना, चलते हैं मार्केट में, अभी तो रश बहुत है यहाँ पे, रश बहुत है, अंदर जाके देखते हैं। सारी एक दूसरे के साथ, अगर आप दिल्ली दरवाजा देख लें, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप शालमी देख लें, अगर आप मोची देख लें, रंग महल देख लें, ये सारे एक दूसरे के साथ जो है ना लिंक्ड है, लिंक्ड है, लिंक्ड है, बिल्कुल। तो फिर मेरे ख्याल से तभी मेरे ख्याल से इसको जो है वो कहना बिल्कुल जायज होगा कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है। शायद आपको जितना रेवेन्यू जनरेट करती होगी, आप सिर्फ अंदाजा लगा लें किसी एक मार्केट में, बाकी जो महंगाई के हालात हो गए हुए यार, अभी तो कारोबारी डाउन ही होंगे लोगों के, कारोबारी बंदे को इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि अगर महंगाई हुई है तो उसने चीज़ का रेट बढ़ा दिया। अरे ये तो जरूरत तो जो है वो बाहर तो और बाकी रहती है ना, आप जरूरत तो नहीं खत्म होती जितना भी महंगा हो जाए। नौकरी पेशा अफराद के लिए जो है वो महंगाई ज्यादा हुई है, कारोबारी अफराद के लिए महंगाई ज्यादा नहीं हुई है। भाई साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं जी, इनका और मेरा ये मानना है कि जितना मर्जी महंगा हो जाए लोगों ने तो खरीदना है, क्योंकि जरूरत की चीज़ें अशिया जरूरियात जो हैं उनको खरीदना ही होता है, होता है, उसके बगैर गुजारा नहीं, गुजारा नहीं है उसके बगैर ना। लाहौर में कराची फैब्रिक्स कैसा, और कराची में मेरे ख्याल से गालिबन लाहौरी कढ़ाई बिकती होगी, ऐसे ही है लाहौरी
नाम चले हैं। लाहौरी टकाटक बड़ा मशहूर है यार बाकी शहरों में। अगर यहाँ से अगर हम सीधा ही चले जाएं तो वो मोती बाजार आ जाता है आगे। नहीं बाकी उस हवाले से आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि बाकी बहुत बड़ी मार्केट ये यहाँ से सीधा चले जाएं। देखो ना मीनार पाकिस्तान तक ये मार्केट निकलेगी। वो मीनार पाकिस्तान कह लें या मेरे ख्याल से वो आप कह लें शाही तालाब जो है। नहीं तालाब से आगे भी तो मार्केट है ना, शाही मार्केट आगे जो है वो सारे कुछ खड़ा हो रही है। वो कौन सा तालाब था, तालाब का नाम क्या था मेरे को? पानी वाला तालाब, पानी वाला ही होता है ये। हम पहुंच गए हैं रंग महल चौक में, ऐसा ही है ये है जी रंग महल चौक। इसके एक तरफ सराफा बाजार है और ये हमने टर्न ले लिया यहाँ से, शालमी में एंटर होंगे यहाँ से हम। रंग महल चौक ही है ना। हाँ ये देखो बर्तनों की जो है वो बर्तनों की मार्केट है बहुत बड़ी। जी जी प्लाजो में मानी भाई मेरे दोस्त है, माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी दुकान भी है और होलसेल जो है वो आपके रेफरेंस से सस्ता मिल जाएगा वहाँ से। वहाँ से मैं कहता हूँ मेरे रेफरेंस से क्या, वैसे भी जाके लेंगे, इतने अच्छे दोस्त हैं, मैं वो सस्ते ही देंगे। नहीं आपका नाम तो लेना पड़ेगा ना यार। ना भी नाम ले तो वो उनको वो माशाल्लाह उनके बड़े अच्छे मुनासिब दाम है। अच्छा मैं देखता हूँ अगर उनकी दुकान खुली हो आपको विजिट करवाता हूँ। नहीं खुली थी अभी तो हम मोड़ लेंगे अभी। चलिए जी ये आज शालमी मुझे बंद लग रही है यार। उमेर अभी मार्केट सुबह का टाइम है ना। अच्छा यो में पाकिस्तान पर बंद तो नहीं होती? नहीं, 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 तो अभी सुबह का टाइम है यार, 2 बजने लगे हैं। नहीं आप मानो या ना मानो आज ऑफ है मार्केट, आज बाकी मार्केट बंद लग तो यही रहा। चलो किसी से पूछ लेते हैं, आइए लंदन की सैर करवाएं आप जाते दोनों भाई इकट्ठे हैं, पूरे पाकिस्तान की कौम का बोझ उठाया होगा यार ये आप गलत बात होती है किसी को इस तरह से। अच्छा मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने कहा था सिर्फ लंदन की सैर, आपने कहा है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। मैंने तो उनकी मैंने तो किसी तस्वीर दी थी क्या मतलब वो मैंने तो लंदन कहा ना। नहीं 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 मैं नवाज शरीफ को किसके साथ तस्वीर दी थी, वहाँ एक आपने गधे के साथ। नहीं 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 मैंने बिजनेसमैन खड़ा हुआ था एक। अच्छा वो बिजनेसमैन था। हाँ ठीक ठीक यार आपने देखी कितनी गलत बात है। नहीं ये तो आप गधे से तस्वीर दे जी, मैं अपने लफ्ज वापस ले रहा हूँ, मुझे पता कोई नहीं है इतनी सी बात पे भी जो है वो केस हो सकता है। मैं तो भी गरीब आदमी हूँ, हमें क्या कहते हैं जो है वो छोड़ना भी नहीं। हम कौन से खान है जो हमारे पीछे फॉलोवर्स आके हमें बचा लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। लो जी तो आज मार्केट ऑफ है आप मानो? नहीं बंद है आज मार्केट भाई, मार्केट कोई कोई, कोई दुकानें खुली हैं, कोई कोई देखे ना कितना सामान पड़ा हुआ है। सामान तो पड़ा ही होता है यार, वैसे मेरे ख्याल से जो हमने लेना था तो उनकी जो है वो शॉप वगैरह तो बंद है। बंद तो फिर आज अपने जो है वो व्यूवर्स के साथ जो है वो उनको जो है वो माजरत कर लेते हैं। बिल्कुल यहाँ तक हमने आपको जो है वो शेयर कराई है तो इसको हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल्स पर, तो आप जो है वो ज़रूर लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस लव यू, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।